प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। और जीवन जल के इस कार्यक्रम में फिर एक बार आप सबका अभिवादन करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए फिर एक बार हम सब परमेश्वर के वचन के साथ इस समय आए हैं, और इसलिए आज हम परमेश्वर से पूछे, हे परमेश्वर, आप हमसे आज क्या बोलना चाहते हैं? हम परमेश्वर से एक छोटी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस टीवी के माध्यम के द्वारा। आपने आपका वचन हमें सिखाया, आपने आपका वचन हमें बताया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं आप बताइए, और आपके नाम की महिमा आज के इस वचन के द्वारा हो, ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं। बोलने वाले व्यक्ति को और सुनने वाले सभी दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके आत्मा की प्रेरणा से, आपके आत्मा की अगुवाई में ये समय हम आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में करते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। मेरे प्रिय दर्शकों, जैसे आप सब जानते हैं, हम सब परमेश्वर के वचन के साथ एक पवित्र वचन के साथ बैठे हैं, और इसी पवित्र वचन में हम प्रेरित पौलुस ने लिखी गई बातों के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हम देख रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री जब लिखी, उसमें उन्होंने बहुत से सिद्धांतिक बातें उधर लिखी है, और इसलिए रोमियो की पत्री जब एक नवसिखा व्यक्ति जब पढ़ता है, एक नोवाइस जब पढ़ता है, जिसको ये पता नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति जब पढ़ता है, उसे वो समझ में नहीं आता, और कुछ बातें बहुत जो सिद्धांतिक बातें हैं बहुत हमें गंभीर और बहुत बड़ी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसे लगती है। पर ऐसे समय में परमेश्वर हमें कहना चाहते हैं कि ये जो वचन है ये सबके लिए, हर एक व्यक्ति को समझने के लिए ऐसा दिया गया है।
अगर परमेश्वर से पूछकर हम इसे पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर लिखी हुई बातें कितने साफ, सरल और एकदम आसानी से समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। हम लोगों ने सबसे पहले रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 16 और 17वीं आयत में से परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में देखा। पौलुस जो कहता है, मैं सुसमाचार के प्रचार से नहीं लज जाता, हमने उसके बारे में देखा। हमने उसके बाद परमेश्वर के क्रोध के बारे में भी देखा और परमेश्वर के क्रोध के बारे में देखने के बाद अभी हम लोग अपना ध्यान लेके जाएंगे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो एक फासला है वो किस लिए तैयार हुआ। उसका एक कारण है, उसका कारण है मनुष्य ने की हुई बगावत, मनुष्य ने किया हुआ बलवा, मनुष्य ने किया हुआ विद्रोह, हिज रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। और आज का जो ये संदेश है उसका शीर्षक हम वही रख सकते हैं, मैन्स रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरोध में मनुष्य का विद्रोह, परमेश्वर के विरोध में मनुष्य ने किया हुआ बलवा या फिर बगावत। देखिए, ये ऐसा एक विषय है जो बहुत गंभीर लगता है, ये एक नकारात्मक विषय लगता है, पर मेरे प्रियो ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसी चीज़ है मनुष्य के दिमाग में या उसके जीवन में जो उसे परमेश्वर से दूर रखती है? मनुष्य कैसे निर्णय लेता है जिस वजह से वो परमेश्वर के महिमा से वंचित हो जाता है, रहित हो जाता है और दूर चले जाता है? आप जानते हैं, हम जो भी कुछ चीज़ हमारे जीवन में भुगतते हैं बहुत बार वो हमारे ही खुद के गलती के वजह से रहता है। और इसलिए यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ रोमियो की पत्री पहला अध्याय 24वीं आयत से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे अपने आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। वचन 25 भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है, आमीन। और उसके आगे अगर आप एक एक बात पढ़ते हैं, मनुष्य के पापों के बारे में, अभिलाषाओं के बारे में बहुत सी बातें यहाँ कही गई है। मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ की हुई बगावत, मैंस रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, उस बारे में हम देख रहे हैं। उस बारे में जब हम यहाँ देखते हैं, आप सबका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ खासकर वचन 24, 26 और 28 की ओर। देखिए वचन 24 में क्या लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर वो वाक्य प्रचार, परमेश्वर ने कुछ उधर आगे लिखा है और लिखा है उन्हें छोड़ दिया। 26वीं आयत, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। उसके आगे 28वां वचन, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। वचन 24, परमेश्वर ने उन्हें उनके अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया। वचन 26, परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। वचन 28, परमेश्वर ने भी उन्हें अपने निकम्मे मन पर छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर व्यक्तियों को छोड़ रहे हैं, अपना काम करने को परमेश्वर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं? क्योंकि ये लोगों ने बलवा किया, क्योंकि ये लोगों ने बगावत की। और उस बगावत के बारे में जब हम देखते हैं, उस बगावत के तीन विशेषताएं जो हमारे जीवन में हैं और जिससे हम लोगों ने छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए, हम सबसे पहले इस बगावत का लक्ष्य देखेंगे, दूसरी बात हम इस बगावत के लक्षण देखेंगे, और ना ही सिर्फ उतना पर इस बगावत में मनुष्य की लौकिकता जो दिखाई देती है वो हम देखेंगे, इसके लक्ष्य, इसके लक्षण और इसमें मनुष्य की लौकिकता, ये तीन बातों की ओर आज हम ध्यान देंगे। मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत किया। हम जानते हैं पहला व्यक्ति आदम, उसके समय से ये बगावत शुरू हुई और अभी तक वो होता रह गया है। परमेश्वर कुछ कहते हैं, मनुष्य बगावत करता है, परमेश्वर कुछ कहते हैं, मनुष्य उसके खिलाफ जाता है। जो यहाँ पर माता पिता है, खासकर जवान बच्चों के माता पिता, आप लोग जानते होंगे मैं किस बात के बारे में कह रहा हूँ। आजकल के जवान जो है, जवानों अगर आप सुन रहे हो, मैं नहीं जानता कितने जवान
मनोरंजन को छोड़कर परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। पर अगर आप सुन रहे हैं मेरे प्रिय जवान भाई और प्रिय बहन, आप धन्य हैं, क्योंकि बहुतेरे जवान ये समय जगत की बातों के पीछे, जगत के सीरियल्स के पीछे, जगत के मनोरंजन के पीछे और जगत की वासनाओं और व्यसनों के पीछे बिता रहे हैं। अगर आप यहाँ पर परमेश्वर के वचन के साथ बैठे हैं, पहली बात, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि आपने एक सही चुनाव किया, आपने एक सही निर्णय लिया। और इसलिए खासकर इस क्षण में मेरे प्रिय जवान भाइयों बहनों से कह रहा हूँ, आप उन जवानों जैसे ना हो जो अपने माता पिता के खिलाफ बगावत करते हैं, लोगों के जैसा ना हो जो अपने देश के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने आसपास के लोगों के खिलाफ, अपने मित्रों के खिलाफ बगावत करते हैं, रिबेलियन करते हैं। आप जानते हैं, बगावत या रिबेलियन कहीं भी अगर हम देखें, ये एक बहुत बुरी एक चीज़ है। और अगर हमें देश के खिलाफ बगावत हो, समाज के खिलाफ बगावत हो, माता पिता के खिलाफ बगावत हो, परिवार के खिलाफ बगावत हो, ये सब अगर हमें पसंद नहीं आता, तो सोचिए जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है उनके खिलाफ, जिन्होंने हमें रचा है, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने अपने हाथों से हमारी रचना की है, उनके खिलाफ अगर हम बगावत करें, उन्हें कितना बुरा लगेगा। प्रिय भाई और बहनों, उस परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य बगावत करता है, और सबसे पहले उसके लक्ष्य के बारे में आपके ऊपर ध्यान, आपका ध्यान उसके लक्ष्य के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। देखिए आयत 24 और 25, मनुष्य का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले लिखा है आयत 24 में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं उनके बुरे विकल्प या फिर उनके बुरे चुनाव। उनके बुरे विकल्प क्या है, उनकी बुरी सोच क्या है, उनके बुरे बातों को चुनना कैसा है? यहाँ पर ऐसा लिखा है वचन 24 में कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर अपने आप में अपने शरीरों का अनादर करने के लिए उन्होंने ये अपने शरीरों का अनादर उन्होंने किया। प्रियो, हमारे शरीर जो है ये परमेश्वर ने अपने मंदिर के रूप में बनाया है, ऐसा नए नियम में लिखा है। परमेश्वर हमारे शरीर में वास करना चाहते हैं, हम में वास करना चाहते हैं। ये हमारा जो मन है, ये हमारे परमेश्वर का एक मंदिर के रूप में रहना चाहिए, एक परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में रहना चाहिए। पर हम इस शरीर में कितने कितने गंदे काम करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी पाप करते हैं, कितने गंदे वासनाओं में, व्यसनों में हम चले जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात कही है, खासकर मैं जवानों से कह रहा हूँ, और सिर्फ जवानों से ही नहीं, जो भी कोई मेरे दर्शक, हम सब के दर्शक जो यहाँ सुन रहे हैं, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मन की अभिलाषाओं के पीछे, अशुद्धता के पीछे, अपने शरीरों का अनादर करके परमेश्वर से बगावत हम ना करें। हम देख रहे हैं बगावत का लक्ष्य क्या रहता है। बगावत का लक्ष्य रहता है गलत निर्णय लेना, गलत विकल्प करना, गलत चीज़ें को चुनना। देखिए, परमेश्वर हमारे शरीर का सदुपयोग करने के लिए हमें कहते हैं। हम ये जाने कि हमारा शरीर परमेश्वर के लिए एक पात्र बन सकता है, पर हम वो छोड़कर इसे अशुद्धता का पात्र बनाते हैं, हम इसे छोड़कर इसे अनैतिकता का पात्र बनाते हैं, अनैतिक संबंधों में हम जाते हैं, हमारे शरीर की पवित्रता छोड़कर अपवित्र चीज़ें हम करते हैं। ऐसे करने से परमेश्वर हमें दूर रखना चाहते हैं, इसे छोड़कर लेके जाना चाहते हैं, इसे छोड़ना चाहते हैं, पर हम बहुत बार वो छोड़ते नहीं और हम परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, ना ही सिर्फ एक बुरे विकल्प के बारे में, पर दूसरी बात 25वीं आयत में हम देखते हैं उनके बुरे विपर्याय के बारे में, बुरे बदलाव के बारे में। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है, ना कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है, आमीन। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की उपासना करना ठीक समझा। प्रियो, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे गंभीर जो बात है उसको एक साधारण रूप में कहना चाहता हूँ। मनुष्य को ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे ना देखे, इसलिए एक तो वो परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ देता है, या फिर वो परमेश्वर को ऐसी एक व्यक्ति का एक रूप देने को कोशिश करता है जो मुझे देख कर भी ना देखने जैसा करे। अगर मैं ऐसा परमेश्वर को समझता हूँ, अगर मैं परमेश्वर की ऐसी एक सोच मेरे मन में रखता हूँ परमेश्वर के बारे में, तो वो बहुत गलत है। हम सृष्टि को देखकर,
हम ये ना सोचे कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहे, परमेश्वर हम पर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर की आंखें हमारे मन की ओर है। हम किसी भी कोने में, किसी भी कमरे में, किसी भी जगत के कोने में हों, परमेश्वर हमें देखते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो सब तरफ उनका ध्यान है। और उनको पाप देखकर, हम जो बगावत करते हैं वो देखकर, हमारे जो बुरे विपर्याय है, बुरे जो हमारे निर्णय हैं वो सब देखकर, बुरे जो बदलाव हम हमारे जीवन में करते हैं वो देखकर प्रभु को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें बुरा लगता है। मनुष्य के बगावत के बारे में सबसे पहले उसका लक्ष्य हमने देखा, बुरे विकल्प और बुरे विपर्याय, बुरे बातें को चुनना और अच्छी बातों को बदल कर बुरी बातों के पीछे जाना, ये मनुष्य करता है। ना ही सिर्फ उतना, पर दूसरी बात, आयत 26 और 27 में हम उसके लक्षण देखते हैं, उसके साइंस हम देखते हैं, कैसे हमें दिखाई देता है कि मनुष्य पाप कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा उसका लक्ष्य क्या है, मनुष्य किस चीज़ की ओर ध्यान देता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं उसके लक्षण क्या है, क्या दिखाई देता है उस मनुष्य में जिससे हमें पता चलता है कि ये परमेश्वर से बलवा कर रहा है या बगावत कर रहा है। देखिए, आयत 26 और 27 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगी, और पुरुष ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करने के लिए करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यहाँ पर जो परमेश्वर एक गंभीर बात कह रहे हैं, अनैतिक संबंध, ना ही सिर्फ अनैतिक पर अननेचुरल जो है, जो परमेश्वर के निसर्ग ने, परमेश्वर ने जो कुछ नियमित किया है उसके खिलाफ जो है, ऐसे बातें, ऐसी चीज़ें जो लोग करते हैं, ऐसे पाप में जो लोग जाते हैं, उन पापों के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और ऐसे कहा गया है मनुष्य के आकर्षणों के बारे में और उनके लत के बारे में, मनुष्य गलत बातों से आकर्षित हो जाता है यहाँ पर हम देखते हैं, और गलत चीज़ों से आकर्षित होकर वो उसकी लत बन जाती है। हम ऐसे बहुत से पापों के बारे में देख सकते हैं जिससे आकर्षित होकर मनुष्य उसमें अटक कर वो पाप में जाता है और उसमें फंस जाता है, और यहाँ पर वही हम देखते हैं। हम उसके लक्षण देख रहे थे, उसका लक्ष्य हमने देखा, उसके लक्षण हमने देखे। ना ही सिर्फ उतना, पर तीसरी बात, उसके आकर्षणों से, दूसरी बात, उसके आकर्षण से हमें पता चलता है किस बात की तरफ आकर्षित हो रहा है। उससे समझ में आता है ये परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहा है, वो कौन सी लत उसे लगी है, कौन सी चीज़ें वो बार बार करता है, कौन से गलत कामों में, गलत व्यसन में वो बार बार जाता है। वो उसे अगर लत लगी है वही पाप दोबारा दोहराने की, बार बार करने की, तो वो एक पाप है। और उस बारे में हम यहाँ देखते हैं, उससे हमें समझ में आता है उसके आकर्षणों से और उसके लत से कि वो एक गलत पाप में फंसा हुआ है। ना ही सिर्फ उतना, पर तीसरी बात, मनुष्य के बगावत की लौकिकता हम देखते हैं, कैसे मनुष्य का सोचना बदल जाता है, कैसे मनुष्य की ही बात बारे में देखकर परमेश्वर को छोड़कर अपने आप को तृप्त करने के लिए गलत चीज़ें करता है। उसके बारे में 26 और 27 आयत हमने पढ़ी, उसके आगे हम अभी पढ़ेंगे, उसके आगे की आयत 28 से 32 में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैरभाव से भर गए, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयार रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। प्रियो, यहाँ पर एक बहुत ध्यान से एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। हमने सबसे पहले उसका बगावत करने का लक्ष्य देखा, दूसरी बात हमने उसके लक्षण देखे, पर तीसरी बात, यहाँ पर उसकी लौकिकता देखिए,
किस किस बातों में उसका ये समावेश है, उसके निर्णयों में हम देखते हैं कैसे उसकी लौकिकता दिखाई देती है, उसकी नीचता में हम देखते हैं कैसे उसकी लौकिकता दिखाई देती है, उसके निर्णय क्या है। परमेश्वर को छोड़कर वो गलत प्रकार के अधर्म में और दुष्टता में जाते हैं। बहुत एक लंबा एक लिस्ट उधर दिया गया है। आप सोचिए, हमारे जीवन में कभी ना कभी इसमें से कुछ ना कुछ बात तो हमने की ही होगी, कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ बगावत का एक कृत्य हम लोगों ने किया ही होगा। और उस बारे में जब हम देखते हैं, आप सबसे कहना चाहता हूँ, इतना सब कुछ में से एक भी अगर हम करते हैं, हम परमेश्वर से बगावत करते हैं। प्रिय मित्रों, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि ये सिर्फ एक ही इसमें से बात हम नहीं करते, इसमें से बहुत सारे बगावत की चीज़ें, बहुत सारी बगावत की लौकिकता दिखाने वाली बातें, उसमें हम लोग फंसे हुए हैं और परमेश्वर को वो पसंद नहीं आता। परमेश्वर ऐसे कहते हैं, ये लोग परमेश्वर के विधि जानते हुए भी परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, ये लोग जानते हैं दंड के योग्य है, फिर भी ऐसे काम करते हैं, खुद भी करते हैं और जो दूसरे करते हैं वो देख कर प्रसन्न भी होते हैं। प्रियो, आज हमारे टीवी पर, आज हमारे मोबाइल पर, हमारे टैबलेट्स पर, हमारे इंटरनेट पर कौन सी बातों को आज के जवान ज़्यादा देखते हैं, कौन सी बातों को आज के लोग ज़्यादा ध्यान उस पर देते हैं। शुभ संदेश चैनल को कितने लोग देखते हैं देखिए, और कोई अश्लील अगर कोई चैनल है उसको कितने लोग देखते हैं देखिए। क्यों वो अश्लील चैनल देखने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, क्यों परमेश्वर का वचन सुनाने वाले चैनल में लोग उतने ज़्यादा नहीं रहते जितना वो अश्लील बातें देखते हैं? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की है, क्योंकि लोगों को परमेश्वर की बातें सुनने के लिए समय नहीं है। धन्य है आप कि आपने एक निर्णय सही लिया, क्या आप एक और सही निर्णय परमेश्वर के लिए लेंगे? क्या आप अपना जीवन परमेश्वर को देंगे? क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे? आप जानते हैं, पौलुस इसी रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय में कहते हैं, जब हम परमेश्वर के शत्रु थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए और जी उठे। देखिए रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? 11वीं आयत, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग जो बगावत हमने की, हम लोग जो परमेश्वर के शत्रु बन गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ हम मेल खा सकते हैं, पिता परमेश्वर के पास आ सकते हैं। क्या कर, ये विश्वास करके, जैसे रोमियो 5:8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जब मैं पापी ही था, जब मैंने बगावत ही किया, मैं इतने सारे पाप मैं कर रही हूँ आपके खिलाफ, मैं जानता हूँ मैं इस पाप से क्षमा पाने के लायक नहीं हूँ, पर आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू सलीब पर, क्रूस पर बहा दिया, ताकि मैं जो पापी हूँ मैं उस पाप से छुटकारा पाऊँ, ताकि मेरे पाप धोकर मैंने जो बगावत किया है फिर एक बार परमेश्वर के पास आऊँ। उड़ाव पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, उड़ाव पुत्र ने सब कुछ छोड़कर बगावत किया, पर जब सब कुछ खो दिया फिर एक बार अपने पिता के पास आया और कहा, हे पिता, मैंने तेरे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ बगावत की है, पाप किया है। ऐसे ही हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और फिर एक बार परमेश्वर के पास आए, क्योंकि बगावत करने वाले बच्चों पर भी प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है। पर प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप अभी विश्वास करते हैं, वो आपको कितने भी बड़े आपके पाप हो आपको क्षमा करेंगे और आपको पवित्र ठहरा कर अपने संतान बनाएंगे। ये प्राप्त करने के लिए हम वो एक बड़ा निर्णय हमारे जीवन में लें। मनुष्य ने जो बगावत की वैसे हमने बगावत की है, पर फिर एक बार हम प्रभु के पास आए, क्योंकि वो खुले हाथों के साथ हमारे लिए खड़े हैं, उस पिता के समान जिसके बारे में लूका 15 में हम पढ़ते हैं, वो खड़े हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र को फिर एक बार अपने पास लाए। हम कैसे भी हो, हम प्रभु के पास अगर आए, परमेश्वर हमें स्वीकार करेंगे। ये समझने के लिए और परमेश्वर के लिए उद्धार का अनुभव प्राप्त करने के लिए, निर्णय लेने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08992580744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 02222422182। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।